नमस्ते सभी को। आज का ये योगा वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जो ज़्यादातर बैठ के काम करते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जिसकी वजह से उनके बैक पेन शुरू हो जाते हैं और वो हर समय बने रहते हैं। लेकिन किसी को मेडिकल इश्यू है, जैसे स्लिप डिस्क है, साइड का है, तो पहले वो डॉक्टर से कंसल्ट करें और अच्छे इंस्ट्रक्टर या योगा टीचर के हेल्प से ही योगासन करें। तो पहला आपका आसन क्या होगा? वक्रासन। आप इसको बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं, बहुत ही इजी आसन होंगे, जिसको अगर आप डेली अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आपके बैक इशू बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले राइट पैर को आप फोल्ड करेंगे और राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे, ठीक है? जो पैर आप उठाएंगे वही हाथ को पीछे ले जाएंगे। अगर आप नीचे गिर रहे हैं या आपकी रेंज कम है तो आप फिंगर टिप्स पे भी अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। अब आपको अपोजिट हाथ उठाना है और उसको क्रॉस करना है नी के पास एंड पीछे की तरफ देखना है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आसन है, जिससे आप अपने लोअर बैक के इशू को खत्म कर सकते हैं। इसमें आपको जब आप ट्विस्ट करते हैं तो एक्सहेल करना होगा। अब इसी तरह आपको दूसरे साइड भी करना है। अब लेफ्ट लेग उठाया तो लेफ्ट हैंड पीछे एंड राइट हैंड से इस तरह से आपको दोनों साइड करना है। इससे आपको लोअर बैक पे बहुत ही अच्छा ट्विस्ट मिलता है, जिससे आपके जो यहाँ पर स्टिफनेस होती है वो धीरे धीरे कम। नेक्स्ट आसन है हाफ धनुरासन। इसमें आपको क्या करना है, पेट के बल लेट जाना है, ठीक है? अपने हाथों को इस तरह से हाफ आपको एल्बो पे रहना है और पैर को दोनों उठा लेना है एंड अपने फेस को ऊपर की तरफ लेके जाना है। आपको बहुत अच्छा बैक पे खिंचाव मिलेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं उठना है। अगर आपको बैक में पेन है, स्टिफनेस है, तो इतने में ही आपको खिंचाव महसूस होने लगेगा। तो आप धीरे धीरे अपने आप को यहाँ पर होल्ड करेंगे थोड़ी देर एंड देन नीचे जाएंगे। अगेन इस तरह से आप 5 से 6 बार एक्सरसाइज करिए, जिससे आपके मसल्स वहां के फ्लेक्सिबल हों बैक के और आपको आराम मिले। तीसरा आसन है पवन मुक्तासन। इसमें आपको पीठ के बल लेट जाना है और एक पैर ऐसे फोल्ड करके रखना है, दूसरे पैर को होल्ड करना है एंड एक्सहेल जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितनी क्षमता हो, उस हिसाब से अपने चेस्ट की तरफ लेग को खींचेंगे। अगर आप एबल हैं दूसरा पैर सीधा करने के तो कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल आपको फोल्ड करके रखेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। इसी तरह आपको दूसरी तरफ से भी ऐसे करना है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छा आसन है पवन मुक्तासन, लोअर बैक की स्टिफनेस को कम करने के लिए और दर्द को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको इसमें हेड नहीं उठाना, अपने सर को नहीं उठाना है, सिंपली आपको अपने पैर को अपने चेस्ट की तरफ खींचना है कंफर्टेबली, बहुत ज्यादा खिंचाव नहीं देना है। इसी तरह दोनों पैर को होल्ड करिए एंड थोड़ा सा अपनी तरफ खींचिए और जब पैर को खींचते हैं तो एक्सहेल, आप जितने सांस को एक्सहेल करेंगे उतनी ही कंफर्टेबली पैर को अपनी तरफ स्ट्रेच कर पाएंगे। नेक्स्ट आसन होगा आनंद बालासन। इसमें क्या करना है, इस तरह से दोनों पैर को उठाया, फीट को पकड़ा एंड इस तरीके से रिलैक्स। इसको हैप्पी बेबी पोज भी बोलते हैं। इससे आपकी स्पाइन बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाएगी और आपके लोअर बैक में जितनी भी स्टिफनेस है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। नेक्स्ट है मरकट आसन। मरकट आसन के भी 3 वेरिएशन है। अगर आप ये बेड पे भी लेटे लेटे करते रहेंगे तो आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। इसमें क्या करना है, इस तरह से, और हाँ, बहुत लोगों को नेक मूवमेंट में चक्कर आते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो आप सिर्फ लेग मूव भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नेक मूव करें, ओके? तो क्या करना है आपको, जिधर आपका नी जाएगा उसके अपोजिट आपका हेड जाएगा, ठीक है? इस तरह से आपको ट्विस्ट करना है। आपको बहुत अच्छी स्पाइन में ट्विस्टिंग मिलेगी जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट क्या करना है, दोनों पैरों में आपको गैप कर लेना है और उसी तरीके से आपको ट्विस्ट करना है। इससे आपको बहुत ही अच्छा खिंचाव मिलेगा और आपके जो बैक में दर्द रहता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मरकट का ये तीसरा पोस्चर है। इसमें आपको क्या करना है,
राइट लेग उठा के लेफ्ट साइड ले जाएंगे एंड इस तरह से स्ट्रेच। और ये ध्यान रखिए, अगर किसी को नेक मूव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ लेग मूव करे, जरूरी नहीं है कि नेक भी मूव करे। तो ये आपके 5 आसन हैं जो आपको डेली अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। सोते समय भी आप बेड पे कर सकते हैं, सुबह उठ के भी बेड पे कर सकते हैं। जो दिन भर आपको बैक में दर्द बना रहता है उससे आपको आराम मिलेगा। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से आसनों को करके आराम मिल रहा है तो कॉमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते।